पैराग्राफ कैसे राइट करना है, उसकी प्रॉपर्टी सारी, ठीक है, वो हम वन बाई वन देखते हैं। सॉरी, ठीक है, टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ठीक है, पहले सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, फिर पैराग्राफ की तरह टेक्स्ट की स्टाइलिंग, उसको डेकोरेशन कैसे करना है, डेकोरेट कैसे करना है, उसको शेडोज कैसे देने हैं, ये हम वन बाय वन को देखते हैं। ठीक है, भी ये टेक्स्ट लिखा है इधर सिंपल, इस तरह मैं लिख रहा हूँ भी क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। ठीक है, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग है, इसको डिफरेंट हम स्टाइल करके देखते हैं, इसकी स्टाइलिंग, इसका कलर चेंज, इसकी प्रॉपर्टीज़ सारी वन बाय वन हम देखते हैं। ये टेक्स्ट है, इसका पहले भी आपने काफ़ी इसका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर ऊपर आप देखें इसका फॉन्ट्स, सारे फॉन्ट्स इधर चेंज होना है, इनका आपको आइडिया है ये कैसे करना है फॉन्ट चेंजिंग। उसके बाद इसकी जो साइज़ है वो इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका बोल्ड, इसको कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसकी सारी। ठीक है, उसके बाद ये अलाइनमेंट है, ये पैराग्राफ के लिए ही है, वो अभी हम पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो वो देखते हैं। ठीक है, ये इसकी नेक्स्ट अगर आप जाएं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल टी भी आप कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई है टेक्स्ट प्रॉपर्टी सारी, इधर से भी आप देखें जो प्रॉपर्टी मेन्यू आपके पास, उधर आपके पास लिमिटेड शो हो रही है चीज़ें, लिमिटेड इसका साइज, उसका फॉन्ट और बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन। यहाँ पे आप देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी। ये सबसे पहले कैरेक्टर है, इसका फॉन्ट्स सारे ये पड़े हुए हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं कोई सा फॉन्ट करना चाहें। ठीक है, अभी हम जैसे ये करते हैं DFM, ये किया है, इसका कलर चेंज करना है, यूनिफॉर्म फिल, ये वही कलर है जो इसका सॉलिड कलर यूज़ हुआ है, अगर इधर चेंज करके आप देखें। ठीक है, यहाँ से आप कोई सी शेड इसको दे लें, ठीक है, कलर कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर देखें ये नो फिल लिखा हुआ है, ठीक है, ये कलर चेंज करें तो ये जो इसकी बैकग्राउंड आपको नज़र आ रही है, जितना आपका टेक्स्ट का एरिया है उसकी आपको बैकग्राउंड नज़र आ रही है, ये उस चीज़ का कलर है। अगर आप इसको कोई सा भी कलर दें, इधर आएँ येलो की तरफ, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है, जितना आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उतने एरिए में ये फिल हो जाएगी, कलर फिल कर देगा बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ये कर लें आप। उसके बाद आप नीचे देखें तो ये आउटलाइन का कलर है, ये भी कोई भी सिलेक्ट नहीं है, यहाँ से आउटलाइन का कलर लगा लें कोई भी। ठीक है, ये आउटलाइन लग गया कलर, ठीक है, ये यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ये अभी आप इधर देखें तो आपको बाउंड्रीज की नज़र आ रही है, जिस साथ ही इसका लिखा हुआ है कि आपने आउटलाइन जो कितनी रखनी है, आउटलाइन विड्थ सेट एंड आउटलाइन विड्थ फॉर दी करेक्टर, और आपने स्ट्रोक साइज का जो है आउटलाइन है वो कितनी रखनी है, अगर यहाँ से 2 करें ये उतनी थिक हो जाएगी। ठीक है, ये आउटलाइन आपको नज़र आ रही है, ये जितनी भी आप चाहें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम कम ही रखते हैं, 3 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये सारी इसकी सेटिंग है टेक्स्ट की। इसके बाद अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको कैप्स
है, कैप्स का लिखा हुआ, कैप्स मीन आपने ये देखें, अगर आप करके ये पैराग्राफ के लिए होगा, यहाँ पे शायद ये यूज ना करना। अच्छा ठीक है, ये कैप्स है कि आपने सारे जो हैं अपर केसेस में करने हैं, लोअर केसेस में करने हैं, ये राइटिंग स्टाइल है ठीक है। ये उसके लिए आपका ये सारा टेक्स्ट अभी फर्स्ट इसका कैप है और बाकी स्मॉल है सारे लेटर इसके अल्फाबेट्स। ये अगर दूसरे देखें आप ऑल कैप, तो ये सारे अपर केस में चले गए हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन राइटिंग जो अपर केसेस में चली गई है सारी। उसके बाद ये अगर नीचे आए स्मॉल कैप्स में, तो ये स्मॉल कैप फर्स्ट वाला जो है वो कैप्स है, बाकी भी कैप है लेकिन उनका साइज स्मॉल है। फर्स्ट वाले जो है वो कैप्स हैं दोनों के बड़े साइज में, बाकी सारे छोटे साइज में। इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग है वो इधर आप वन बाई वन जो है वो देख सकें। स्मॉल कैप्स का करें, स्मॉल कैप में इधर नॉन करें तो वो फर्स्ट वाला आपका आ जाएगा ठीक है। इधर इसकी ये आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से भी होती है। अगर इधर से देखें आप तो ये कुछ जो है वो कुछ को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो आपने फॉन्ट ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर ये लिमिटेशन है, इसलिए आप सारे नहीं यूज़ कर सकते। अभी कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि इधर से भी वो यूज़ हो जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी ठीक है। इसी तरह आप आगे जाएं तो ये पोजीशन का लिखा हुआ है सुपर ऑटो, ये अगर आप देख सकते हैं इधर से, ये पोजीशनिंग कंट्रोल है, एक्स टू एक्स केयर है, एक्स टू नीचे लिखा हुआ ये पोजीशन के नाम है, सुपर स्क्रिप्ट ऑटो, सुपर स्क्रिप्ट सिंथेसाइज्ड और सिंथेसाइज्ड सब स्क्रिप्ट ठीक है। ये इस तरह देखें, अगर आप वन बाई वन करके ये वाला कलर जो है मैं ख़त्म करता हूँ ठीक है। अभी हम देखते हैं ये इसकी पोजीशंस हैं सारी बेसिकली ठीक है। ये आप सकते हैं अभी नन कर रहा हूँ तो ये अपनी पोजीशन में चला जाएगा फर्स्ट वाले में। इसी तरह ये नीचे पैराग्राफ्स की हैं, पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो वो देखते हैं ठीक है। ये टेक्स्ट है सिंपल, तो अभी पैराग्राफ की सेटिंग्स भी देख लेते हैं उसको कैसे यूज़ करना है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ कि पैराग्राफ लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यही अपना आर्टिस्टिक टूल उसको सिलेक्ट करेंगे और जितने एरिया में आपने टेक्स्ट लिखना है, जितने एरिया में आपने पैराग्राफ देना वो एरिया ड्रा कर लेंगे, फ्रेम ड्रा कर लेंगे इसका ठीक है। ये हमने भी कर लिया फ्रेम ड्रा, ये अभी इसका सेंटर में दे रहा है टेक्स्ट जो है ना, आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंटर में आएगा इसके। इधर से अगर देखें इसका टेक्स्ट पैराग्राफ में फिर टेक्स्ट टू फ्रेम ठीक है। अभी हम कोई इसका पैराग्राफ जो है वो कॉपी करते हैं इनसे ठीक है। मेरे इसका साइज अभी काफ़ी कम है, साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते। ये मैंने एक पैरा लिखा है गूगल से कॉपी करके ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पैरा जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया था इसके लिए, जितना फ्रेम सेलेक्ट किया था उतने एरिया के अंदर ही आपका पैरा जो है वो एडजस्ट हुआ है। इसी तरह इसको एक दोबारा से कॉपी करें एक बार ठीक है, तो ये आपका नीचे आ गया सारा ठीक है। इसका साइज काफ़ी बड़ा है, साइज इसका 48। अच्छा तो ये दूसरा पैरा जो है इसके नीचे आ गया ठीक है। इसकी पैरे की स्टाइलिंग वो हम देखते हैं वन बाई वन अभी इधर से। जिस तरह हम अपने सिंपल टेक्स को एडिट कर रहे थे उसी तरह ये पैराग्राफ को एडिट करते हैं। इधर हम लिख भी लेते हैं पैराग्राफ,
ठीक है, पैराग्राफ करें इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर ही जो है पैराग्राफ की सेटिंग देख रहे हैं हम। ये आपके पास पैराग्राफ, तो इसकी सेटिंग पे चलते हैं वन बाय वन। प्रॉपर्टी में जाके ये सबसे पहले बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर इसको बोल्ड करना चाहें ये इस तरह बोल्ड, आपको सारा पैरा जो है बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इसको इटैलिक करना चाह रहे हैं, मेक दी टेक्स्ट इटैलिक, ठीक है। ये इटैलिक हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन का है, अंडरलाइन करना चाहें तो वो सारी लाइंस को अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, सारे पैरे को। तो वापस जाते हैं हम, बोल्ड भी इसका ख़त्म करते हैं। तो आगे अभी आप देखें ये वाली जो आपको नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें। सेंटर, राइट, फुल जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई, वन बाई वन देखते हैं। लेफ्ट करेंगे तो ये सेंटर जो है, अलाइन जो है वो लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी पहले से ही क्योंकि अलाइनमेंट है इसकी, सेंटर वाला देखते हैं। ये सेंटर करेंगे तो अलाइनमेंट सेंटर की तरफ, ये सारी, ठीक है। इसके बाद आप राइट पे जाएं तो सारा टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड पे आ जाएगी। इसी तरह जस्टिफाई करें तो लाइंस जो है आपकी सारी जस्टिफाई हो जाएंगी, पहले से ही वो जस्टिफाई है, फोर्स जस्टिफाई, ठीक है। ये आप अभी इधर से देखें अगर कि वन आइडिया एट अ टाइम, ये सारी जस्टिफिकेशन की स्पेसिंग जो है इसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है जब हमने ऊपर से इसकी ऑप्शन क्लिक की है, ठीक है। जस्टिफिकेशन हो गई है, ये लाइंस के दरमियान आप जो वर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी हम इसको नानी कर ख़त्म कर रहे हैं सारी इसकी अलाइनमेंट जो है। उसके बाद आगे जाएं तो ये इसकी बुलेट्स लिखे हुए हैं जो लिस्टिंग करते हैं पैराग्राफ के अंदर। ये देखें वो, ये बुलेट्स लग गए हैं जितनी भी आपकी हैं स्टार्टिंग पैराग्राफ, वहाँ पे बुलेट्स शो हो रहे हैं आपको। इसके बाद आगे जाएं तो ड्रॉप कैप्स, ड्रॉप कैप का क्या मतलब है कि आपका जो फर्स्ट वर्ड है जहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपका वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा। जिस तरह ये ए लिखा हुआ है तो ये ए दोनों पैराग्राफ के ऊपर कैपिटल हो जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं, ये पैरा बी है, फोर्स करें, ठीक है। इसको आपने ड्रॉप कैप करना है तो फर्स्ट वाला जो है आप देखें दोनों का बोल्ड हो गया, दूसरे पैरे से थ्री लाइंस तक चला गया, ठीक है। ये ड्रॉप कैप है, आपने देखा होगा इस तरह का पैराग्राफ लिखा हुआ कि किसी अपनी फाइल वगैरह के अंदर फर्स्ट वाला जो है ना वो बोल्ड होता है, ठीक है। इसको वापस जाते हैं आगे, इसकी प्रॉपर्टीज पहले ही हमारे पास ओपन है तो दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये ऊपर वाली सिंपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, ये अभी आपने देखी है फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है, एरियल और नॉर्मल है, बोल्ड है, बोल्ड करें तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कोई चेंज करना चाहें इटैलिक हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी जो ऊपर शो हो रही है आपको प्रॉपर्टी बार प्रॉपर्टी मेन्यू में, ठीक है। इसी तरह इसका साइज कंट्रोल करना है, वो यहाँ पे आपके पास शो हो रही है फॉन्ट साइज, और ये कलर्स इसके जो सा भी आप चेंज करना चाहें कलर। अच्छा, तो क्या आप ये चेंज करना चाह रहे हैं कलर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका कोई और कलर देना चाह रहे हैं इसको तो आप ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके उसको सिंपली आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दोबारा इसकी तरफ जाते हैं, बाकी सेटिंग वही जो अभी हमने देखी थी कि जो इसका बैकग्राउंड है वो अभी कोई नहीं है, नन है, कोई कलर सेलेक्ट नहीं है। तो अभी हम इसको कोई बैकग्राउंड देना चाहें, मतलब जितना भी आपका पैरा लिखा हुआ है उसको कोई बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये कोई सा भी आप एडजस्ट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर है ये जो आपकी टेक्स्ट जितना भी है उसका बैकग्राउंड, ठीक है। इसको नन नो फिल कर देते हैं तो ये वापस चला जाएगा, ठीक है।
इसी तरह ये आउटलाइन दिया हुआ है आपको, उसकी सारी आउटलाइन सेटिंग ये हर एक की सेटिंग के साथ दी हुई है। ठीक है, ये यहाँ से भी आप जो कलर पैलेट है आपके पास शो हो गया, इससे भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, ये सारे सिलेक्ट किया हुआ था, ये सारे को फिल कर देगा। ठीक है, अगर कुछ पार्ट सेलेक्ट करें तो उतने को फिल करेगा। हाँ जी, फिर उतने को फिल करेगा। ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक फिल करना चाह रहे हैं तो ठीक है, ये इसने इतना फिल कर दिया जो आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, बाकी अगर आगे जाएं तो इसका यही केसेस, अपर केस, लोअर केस, कैप्स, वो सारा यहाँ से अगर करूँ तो कैप्स में चला जाएगा सारा। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये सारा कैप्स में चला गया, बाकी इसका स्मॉल कैप्स में करना है, स्मॉल कैप्स में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप ऑल स्मॉल कैप करना चाह रहे हैं तो ऑल स्मॉल कैप में हो गया। इसी तरह स्मॉल कैप्स, ये सारी आप इसकी सेटिंग जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से नन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद अगर जाएं आप नीचे, ये कैप्स का हो गया, ये वाली आपने देख ली है सारी सेटिंग। सुपर स्क्रिप्ट इसका क्या है ये देखें अगर आप, तो इस तरह की कोई स्टाइलिंग आपने करनी है सुपर स्क्रिप्ट में, सब स्क्रिप्ट में, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको नन ही कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये कैपिटल स्पेसिंग है, ठीक है, स्पेसिंग का भी देखते हैं नीचे कि ये क्या चीज़ है, टेक्स्ट के लिए भी और पैराग्राफ के लिए भी। ये पैराग्राफ में आए तो ये इसकी अलाइनमेंट जो ऊपर आपको नज़र आ रही थी, लाइन लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जो सब भी आप करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फोर्सफुली जस्टिफाई आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं करनी तो इसको नॉन कर देंगे। ठीक है, नीचे आए इसकी स्पेसिंग का ये सारा। ठीक है, ये इसको आप वन बाई वन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, इसको ज़ीरो करें। ये इसके नीचे आए हैं थोड़ा सा तो ये लिखा हुआ करैक्टर स्पेसिंग। करैक्टर स्पेसिंग में आप जाएंगे तो ये देखेंगे जो करैक्टर के दरमियान स्पेसिस आ रही है वो यहाँ से उनका डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, करैक्टर्स के दरमियान इसी तरह तो इसको थोड़ा कम करते हैं। इसी तरह आगे वाले सेटिंग देखें, ये लिखा हुआ है वर्ड स्पेसिंग। ये एक स्पेसिंग है कि हर करेक्टर के दरमियान स्पेस बढ़ रही थी। अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, ये वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग हो रही है, करेक्टर को नहीं छेड़ेगा, पूरे वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग है। ये इनका डिस्टेंस आप देखें वैल्यू चेंज होने के साथ साथ, तो ये सेटिंग इनकी चेंज हो रही है वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट इसकी दी हुई हैं ये, लेकिन इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, स्पेसिंग का ज़्यादा यूज़ है और अलाइनमेंट का, अपर लोअर केस का। ठीक है, ये ऊपर वाली अभी रहने दें, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया इस तरह पैराग्राफ की और जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके दरमियान स्पेसिंग, उनका कलर चेंज करना, उनको बुलेट देना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद एक और इसकी चीज़ है फ्रेमिंग, इसकी इसका फ्रेम जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, फ्रेम इसका क्या है, ये अभी आपके पास एक फ्रेम सिलेक्ट है, ये नीचे अभी आप अगर देख सकते हैं तो नीचे एक फ्रेम सिलेक्ट है आपके पास। इसको दो करें तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, जो आपका फ्रेम आपने सेलेक्ट किया है ये दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया, ये एक साइड पे चला गया, दूसरा इधर चला गया। अगर इसको तीन लाइंस करें तो ये देखें आप, इसको मैं थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूँ, तो ये तीन में चला गया आपका जो फ्रेम आपने सेलेक्ट किया था, वन टू थ्री, थ्री लाइन में। सीधा फोर में करना चाहें वो आपके टेक्स्ट को खुद ही एडजस्ट करता जाएगा फोर कॉलम्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह ये फ्रेम का कलर का पूछ रहा है,
इसका कोई कलर चेंज करना चाहें, पूरा जो आपका फ्रेम है जिस तरह ऊपर भी अभी हमने देखा है, इसको कोई बैकग्राउंड आप लगाना चाहें, ठीक है, ये आप दे सकते हैं पूरे फ्रेम को, पूरे फ्रेम की कलरिंग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फ्रेम का जितने नंबर आप इंक्रीज करते जाएंगे उतने में ये डिवाइड होता जाएगा। ये ज़्यादा में किया है तो वो सारा बाहर हो गया टेक्स्ट, क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट का साइज बढ़ जाता है, फ्रेम की जगह जो कम रह जाती है आपके पास, ठीक है। इसी तरह ये लाइन टू बेस लाइन ग्रिड, ये इसको करके देखें तो ये आप इसका डिफरेंस दे सकते हैं, ये भी अलाइनमेंट है ग्रिड के अंदर रहते हुए, जो आपने फ्रेमिंग की है उधर अलाइनमेंट चेंज हो रही है इसकी, ठीक है। इसके बाद आगे जाएँ तो ये है वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, ये अभी इसका वर्टिकल अलाइनमेंट देखें आप करके, ये फ्रेम थोड़े से कम करते हैं तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी हम करते हैं टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, तो टॉप से इसने सारे ये अलाइनमेंट देखें, जितने भी पैरे आपको पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं उनकी अलाइनमेंट, ठीक है। इसी तरह सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट देखें, उसके बाद बॉटम वर्टिकल अलाइनमेंट है वो देखें, बॉटम से आप देखें, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करें वहाँ से स्टार्ट करें, बॉटम वाली देखें इसकी अलाइनमेंट। इसी तरह फुल वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये भी वर्टिकली सारा टेक्स्ट अलाइन कर देगा, ये सारा फ्रेम्स का था। इसी तरह ये सिंपल टेक्स्ट हमारे पास जो लिखा हुआ था उसका हमने स्पेसिंग जो है वो देखते हैं, अगर स्पेस कंट्रोल करनी हो करेक्टर्स की या कोई वर्ड आपने चलना हो, ये देखें अगर क्रिएटिव डिजाइनिंग इसको इधर कर देते हैं, इसकी स्पेस ज़्यादा करें तो ये जो आपके पास करेक्टर जितने भी नज़र आ रहे हैं इनकी स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है, तरह इसकी वैल्यू कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप नीचे वर्ड बाय वर्ड जाना चाहें, वर्ड की पहले बहुत ज़्यादा है, ये क्रिएटिव डिज़ाइनिंग अलग अलग लिखा हुआ तो इधर 100% शो कर रहा था, ठीक है। इसको कम करना चाहें, जितनी वैल्यू कम करेंगे ये क्रिएटिव और डिज़ाइनिंग बिल्कुल करीब चले जाएंगे, दोनों की स्पेसिंग कम हो जाएगी। इस तरह ये नीचे आपकी आ रही है लाइन स्पेसिंग, ये भी उसी तरह ये जिस तरह आपकी ऊपर वाली स्पेसिंग है, ठीक है। तो ये थी इसकी टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने वन बाई वन डिस्कस की हैं, टेक्स्ट की, सिंपल टेक्स्ट की और पैराग्राफ की, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, किसी का क्वेश्चन है, ये हमने टेक्स्ट और पैराग्राफ की सेटिंग जो है एडजस्टमेंट है वो देखी है, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट का मैं भी फ्रेम कम कर रहा हूँ, ऊपर से भी हैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी वो भी देख लेते हैं, ये वन पे कर रहे हैं। तो अब अभी आप जाएँ टेक्स्ट के अंदर, फिर ये आपके पास पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम लिखा हुआ, फिर टेक्स्ट टू फ्रेम, इसको अगर करें तो ये आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल पैराग्राफ के अंदर, पहले ही ये सिलेक्टेड था इसलिए इधर आएँ दोबारा, शो टेक्स्ट फ्रेम्स, और दोबारा इसकी तरफ आते हैं, फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, ठीक है, ये पहले ही आपका फिट था। अगर कॉल करें कि ये कम हो, इसका एक डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। ये भी हमने ऑप्शन क्योंकि सिलेक्ट की हुई है इसकी कि जितना आपका टेक्स्ट है वो पूरे फ्रेम के अंदर फिट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऊपर से इसका फिर टेक्स्ट फ्रेम किया, ठीक है। ये अभी ये आप डिफरेंस देखें, ठीक है, जितना आपने फ्रेम सेलेक्ट किया है उसके अंदर इसने इसको फिट कर दिया, पूरे टेक्स्ट को फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दिया ये ऊपर से ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये थी इसकी टेक्स्ट और स्टफ राइट करने का सारा प्रोसीजर, उसका स्टाइलिंग करने का, उसको बुलेट की लाइन स्पेसिंग, उसका फॉन्ट सब कुछ वन लगाना हमने देखा। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर, हम इस फ्रेम को बढ़ा सकते हैं पैराग्राफ लिखने के बाद भी अगर बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ जाएगा? हाँ जी, बढ़ जाएगा, ये आप सिंपली ड्रैग करें तो ये पैराग्राफ बढ़ जाएगा। तो ये देखें, हमने ऊपर से सेलेक्ट किया हुआ है फिट टेक्स्ट टू पैराग्राफ, फिट टेक्स्ट टू फ्रेम,
तो जितना इसका साइज हम इंक्रीज करते जाएं तो टेक्स्ट खुद ही एडजस्ट हो रहा है आपके फ्रेम के अंदर ही। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टूल है यूज ऑफ ड्रॉप शेडो टूल। ड्रॉप शेडो टूल है, उसको कैसे यूज करना, तो इसको टेक्स्ट के अंदर और अपने ऑब्जेक्ट शेप के अंदर इसको कैसे यूज करना है वो भी हम देखते हैं। ये एक टेक्स्ट लिखा है ड्रॉप शेडो, ये अभी आप देखें अगर ये इधर आए आप ड्रॉप शेडो टूल ये लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है जो कनेक्टर्स हैं उनके नीचे, ठीक है, जहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इधर टूल के अंदर ड्रॉप शेडो, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो इसका मोस्टली यूज़ है वो हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट के या किसी भी चीज़ के सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें अगर कि मैं सेंटर से इसको स्टार्ट करूं तो ये एक और टेक्स्ट नीचे आ रहा है हमारे पास, इसको ड्रैग करूं तो एक और टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो ये इसका शेडो बन गया नीचे, इसका थोड़ा सा मैं जूम भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये शेडो बन गया इसका, दोबारा से कर लेते हैं। शेडो टूल सेलेक्ट किया, ड्रॉप शेडो टूल, इसको सेंटर से यहाँ पे ड्रैग करें, ये आपको एरो भी नज़र आ रहा है, ठीक है, जो ड्रैग करें आप जितना आपने नीचे लेके जाना वहाँ पे इसको छोड़ दें, ठीक है, जितना आपने शेडो देना है यहाँ पे हम छोड़ें। ये इसका शेडो शेडो नज़र आ रहा है सबको, जो ब्लैक कलर में बन गए इधर शेडो, जी सर आ रहा, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज उसी तरह अगर आप टॉप ऊपर देखें तो शेडो की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है सारी, ठीक है, ये इसकी ओपेसिटी है कि ड्रॉप शेडो को आपने कितना विजिबल बनाना है, ओपेसिटी क्या है कि किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी जो है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये देखें अगर इसकी वैल्यू चेंज करते जाएँ आप तो शेडो जो है वो भी यहाँ से वो डार्क हो रहा है आपका, ब्लैक कलर में तो ये ज़्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है, अभी इसकी ओपेसिटी कम करते हैं 70 के ऊपर और आगे देखें ये शेडो फिदरिंग जो है शेडो फिदर वो दिया हुआ है, ठीक है, इसके एज जो है वो किस तरह के आपने करने हैं, सॉफ्टनेस उसकी आपने कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है, ये देखें कि ये साइडों के ऊपर ना बिल्कुल वो बिल्कुल साइडों के ऊपर चला गया हर तरफ, ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कम करें तो बिल्कुल उसके नीचे है, वैल्यू ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो वो जिसको कहते हैं कि फैल गया है साइडों के ऊपर ना, ये देखें सही है, ये इसकी वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हैं शेडो की, इसको कम ही रखते हैं, इसको ज़्यादा यूज नहीं करते शेडो को, ठीक है, ये अभी इसकी वैल्यू एडजस्ट की, तो आगे जाएं इसको, अच्छा ये फिगर डायरेक्शन है, इसको अभी हमने कम यूज किया है, इनसाइड करना है आपने, आउटसाइड करना है, फिगर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो ये आपका फैल रहा है आपका जो नीचे आपने शेडो दिया है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये इसकी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ये उसको सिलेक्ट किया हुआ हमने, आगे देखें शेडो का कलर जो हमारे पास ब्लैक नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर में है शेडो, ठीक है, तो इसको ज़्यादा कैसे करना है, चेंज कैसे करना है कलर को, ये आगे आपके पास कलर स्क्रीन खुल गई है, कलर पैलेट ओपन हो गया, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं शेडो जो है आपने किस कलर में देना है यहाँ पे, ठीक है, तो जो मोस्टली यूज इसका उसी तरह होता है कि जिस कलर का आपका टेक्स्ट है उसी में ही शेडो होता है आपका, जिस कलर में टेक्स्ट हो उसी कलर का आपका शेडो होता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ब्लैक है तो इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मल एड सब्ट्रैक्ट डिफरेंट, ये सारी जो है आप वन बाई वन भी ट्राई कर सकते हैं, तो जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो इसका मल्टीपल सेलेक्टेड है, ठीक है, नॉर्मल करके देखें, नॉर्मल भी ऐसे इनका ठीक है, डिवाइड कर लें तो यहाँ से इसकी डिफरेंट जो है वो चेंजेस आती जाएंगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेकिन बहुत कम, ठीक है, अभी हम इसको मल्टीपल पे यूज़ करेंगे, सही है,
ये शेडो आ गया आपके पास, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई सारी ओपन हो गई। शेडो ठीक है, इसको आपने अगर एक बार दे दिया इधर तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर से पकड़े हैं पैरों से, इसको नीचे करना है ऊपर करना है, तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसकी वैल्यूज जो है ना आपको ऊपर भी शो हो रही है, अगर आप देखें इसको क्लिक किया हुआ शेडो को, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है ये कितना जो है ड्रॉप शेडो ऑफसेट जो है कितना है इसका, अगर कम ज़्यादा इसको करें, ये देखें कि ऑफसेट का मीन है कि बाहर कितना निकला हुआ है, जो आपकी शेप है या टैक्स है उसके बाहर कितना है। ठीक है, इसकी वैल्यू कम करें ऑफसेट की, यहाँ से आप इसको ऊपर की जाने करना चाहें। ठीक है, यहाँ से भी ये एडजस्टेबल है, इसी तरह ये ऊपर वाली, ये लेफ्ट टू राइट और राइट से लेफ्ट है, ये जो नीचे वाली है ये किधर है, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप वैल्यू सेट कर रहा है शेडो की, जो ऊपर वाला है वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। ठीक है, जहाँ पे भी आप शेडो देना चाहें वो आप इसका ऑफसेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर ये आपका एरो है जहाँ से आपने ड्रा किया है, इसी को आप कर लें रोटेट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी रोटेशन, तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैनुअली करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर वैल्यूज इसके एडजस्ट कर लें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं जहाँ मर्जी इसको रोटेट कर लें। ठीक है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जैसे भी आप करना चाहें, इस तरह ऊपर ये नीचे, जहाँ से आपने ड्रैग करना स्टार्ट हुआ ये वहीं पर रहेगा और इसको एडजस्ट करता जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से छोड़ रहे हैं और इसको इधर से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका शेडो रहने देते हैं। ठीक है, ये टैक्स का शेडो था कि प्रॉपर्टीज़, इसी तरह हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखते हैं, इसके भी डिफरेंट वेज हैं शेडो देने के, ये सारे मैं देख लिया वन बाई वन। ओपेसिटी इसकी, ठीक है, ओपेसिटी का मीन है कि कितनी जो है, अगर ब्लैक कलर में तो देखें अभी हमने ओपेसिटी कम की है, साथ ही ये कलर जो बिल्कुल लाइट हो गया, विजिबिलिटी इसकी कम हो गई है। ठीक है, अगर ज़्यादा करें तो बिल्कुल, अगर 100 पे लेके जाएं तो सेम कलर में आ जाएगी ब्लैक के अंदर ही। ठीक है, इसलिए इसको 50 तक आप रख सकते हैं। ठीक है, इससे कम करना चाहें, बिल्कुल कम जो है शेडो देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं या किसी भी शेप की, इसको साइड पे करते हैं, एक हमने ड्रा किया सर्कल ले लेते हैं, एक इसको फिल कर लेते हैं किसी कलर से। ठीक है, इसी तरह फिर आप अपने टूल की तरफ जाएं, जो शेडो टूल है उसकी तरफ। ठीक है, सेंटर से आप इसको ले लें, सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे तो साथ ही जब आप बाहर निकलेंगे तो एक और सर्कल आ जाएगा, ये शेडो वाला सर्कल होगा बिल्कुल, जिस तरह टेक्स्ट का नीचे टेक्स्ट आप ड्रैग कर रहे थे इसी तरह सर्कल का, ये राइट की तरफ, इसी तरह लेफ्ट की तरफ, टॉप पे और ये नीचे। ठीक है, जहाँ पे भी आपने शेडो ड्रा करना, तो ये हम जा रहे हैं इधर राइट की तरफ, ये शेडो आ गया नीचे। ठीक है, ये देखें ये बहुत ज़्यादा आपको ब्लर नज़र आ रहा है, तो इसको एडजस्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में जा के। इसकी ओपेसिटी जो है वो कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज इसकी एडजस्ट करते हैं, जो शेडो फीडर्स हैं उनको एडजस्ट करते हैं, तो ये आप अपनी मर्जी से जितना आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फीडर डायरेक्शन जो है वो दी हुई है, इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, इनसाइड करेंगे तो वो उसके पीछे चला जाएगा, मिडल पे करना है, मिडल से ही मारा था पहले इसका, तो इसलिए इसको इधर ही रहने दे। अच्छा, ब्लैक कलर इसका पहले ही लगा हुआ है, ये सर्कल रेड कलर में है, तो इसका रेड करके देखते हैं जो कलर है, देखें इसका ये रेड कलर में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका थोड़ा सा ओपेसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें,
सबको डिफरेंस पता चल जाए। इसी तरह किसी और शेप के लिए आप लेना चाहें, ठीक है, सेम है इसका मेथड, एक और शेप ली, पॉलीगॉन शेप, ठीक है, इसका कोई शेडो देना है, वो भी इसी तरह आप शेडो पे जाएं, इसको दिल से ड्रैग करें तो ये आपको शेडो नजर, जहाँ पे आप मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना कम रखना है शेडो, ज़्यादा रखना है वो आप, ठीक है, ये इधर छोड़ें, इसको कलर ब्लैक ही है, इसको चेंज करना चाहें आप तो वो आप चेंज कर सकते हैं कलर, इसकी ओपेसिटी ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा कर लें, ठीक है, इसका शेडो आ गया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस तरह। तो शेडो क्या करता है, शेडो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एक 3D इफेक्ट जिस तरह के होते हैं उस तरह का इफेक्ट दे देता है, 3D टाइप इफेक्ट, ठीक है, तो आपके टेक्स्ट और शेप को जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बनाता है, जो इफेक्ट्स हैं डिफरेंट इफेक्ट्स। तो ये इसकी सेटिंग्स थी सारी जो हमने देखी हैं, अभी ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और अगर इनकी तरफ जाएं, ठीक है, तो ये काफ़ी हो गई है कि किसी और ऑब्जेक्ट में सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये इसको इधर करते हैं। ऐसा इसका एक और डिफरेंट वे है, ये शेडो से हमने किया, और इसी तरह आप अपने ऑब्जेक्ट को सिंपली दूसरे तरह से भी आप इसको शेडो दे सकते हैं, वो कैसे, इसको डुप्लीकेट करके, ये कलर हमने लिया, ठीक है, इसको कोई शेडो देना तो आप इसको डुप्लीकेट करें टेक्स्ट को, ये देख इसको डुप्लीकेट किया, बैक साइड पे रखा है हमने, ये हमारा नए वाला आया, ठीक है, इसको एडजस्ट करें, जो नीचे वाला जिसको शेडो आपने बनाना है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह इस कलर में आपने शेडो देना है, ये ओपन करें, इसको इधर कर लें, ठीक है, ये देखें एक तरह का नीचे आपको शेडो ही नज़र आ रहा है, ठीक है, आप इधर से भी इसको दे सकते हैं, अगर ब्लैक में जाना चाह रहे हैं ब्लैक शेडो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, ये एक शेडो टाइप की चीज़ बन गई है, तो आप डुप्लीकेट करके भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको किसी और डायरेक्शन में करवाना चाह रहे हैं मूव अपने शेडो को, इस तरह ऊपर की जाने यानी नीचे की जाने, इस तरह से शेडोज होते हैं थोड़े से, ठीक है, वो करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये देखें आप इसको थोड़ा बाई लेके आना चाह रहे हैं ऊपर नीचे, जैसे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, इसको सेंटर की तरह भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये शेडोज के थे मेथड, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने ये इधर हमने किया डुप्लीकेट करके, कॉपी पेस्ट करके दो ऑब्जेक्ट बना लिए, जो नीचे वाला उसको शेडो बना दिया, ठीक है, उसका कलर चेंज करके उसको शेडो बना दिया इसी का, ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसकी चेंजिंग जो है जो उनकी भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, शेडो इफेक्ट पार्ट्स एंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट शेप्स, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अभी एक और विंडो ओपन कर लेते हैं, ये टेक्स्ट टूल के अंदर जो देखा आप, तो ये टेबल का भी लिखा हुआ है, टेबल जो है वो कैसे आपने डिज़ाइन करना है, किसी भी पर्पज़ के लिए टेबल को आपने यूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, अभी हम टेबल एक ड्रा कर रहे हैं इधर, अच्छा Lord,
ये टेबल टूल है इधर पड़ा हुआ है आपके पास, ये यूज होता है किसी भी साइज का, किसी भी का आपने टेबल लेना है, रोज कितने होने चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए। कॉलम स्टार्ट कर ले। अच्छा टेबल टूल है कि आपने किसी भी तरह का टेबल लेना है, उसकी डायमेंशन आपने रखनी है, रोज कितने लेने हैं, कॉलम कितने लेने हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट चीज हैं टेबल के, यूज भी इसका काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम देखते हैं, ये इधर से हमने सेलेक्ट किया टेबल टूल, कहाँ पे है टैक्स, जो आपको आर्टिस्टिक टैक्स है उसके नीचे ये टेबल का टूल आपको नज़र आएगा, टेबल का बॉक्स, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, इधर टेबल ड्रा करते हैं कोई सा भी, ठीक है। ये हमने एक टेबल ड्रा हो गया, ठीक है। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं तो यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसकी विड्थ हाइट, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह ये आगे जाएं तो इसकी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो शो हो रहे हैं। अब ये नंबर ऑफ रोज चेंज करते हैं तो ये देखें, मैंने फोर किया रोज तो एक रो ऐड हो गई है, कल तीन थी अभी चार हो गई। इसको कम करते हैं, ये कॉलम्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह इधर से वैल्यू इसकी चेंज कर लें, नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो जाए, ठीक है। इसकी जो लाइन और इसकी विड्थ और हाइट है आपके ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आप ऑब्जेक्ट की करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम तो रोज उतनी रहेंगी लेकिन इसकी विड्थ भी अगर चेंज होगी। इसी तरह हाइट को आपने चेंज करना है तो वो भी आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आगे जाते हैं टेबल के ऊपर ही, तो इसका बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर क्या है, ये इधर से कुछ सिलेक्ट करें तो बैकग्राउंड पे बैक साइड पे इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। सारे टेबल का बैकग्राउंड कलर है ये, यहाँ से आप लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े बैकग्राउंड का कलर। इसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके बाद आगे बॉर्डर का, ठीक है, एडिट फील है, ये कलर के लिए ही है, इसका भी हम यूज नहीं कर रहे, यही वाला जो कलर है उसके लिए एडिट फील। आगे जाए तो बॉर्डर लिखा हुआ है, बॉर्डर जो आपको ये इसकी लाइनिंग नज़र आ रही है, रोज कॉलम ये उसकी है, ठीक है, ये बॉर्डर का आपको नज़र आ रहा है। जिस तरह आउटलाइन होती थी किसी भी चीज़ की, ये उसी तरह ये इसकी आउटलाइन है, ठीक है। इसको आप चेंज करते हैं, अभी हम कम ही रख रहे हैं, ठीक है। इसको दिया, इसका कलर अगर चेंज करना चाहें जो बॉर्डर का कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह। इसके बाद दूसरे ऑप्शन देखें, ये ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल वाइल टाइपिंग, ये अगर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई हेडिंग लिख रहे हैं, तो ये उसके लिए है कि सेल का साइज जो है खुद ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा जितना साइज आपके टेक्स्ट का होगा। अभी टेक्स्ट को लिख के देखते हैं तो तब ये यूज़ करते हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद आगे जाएं तो रैप टेक्स्ट है, ठीक है, वो टैक्स भी इसमें प्रॉपर्टीज, अगर हमने टैक्स यूज़ किया हो तो वो भी हम देखते हैं अभी। अच्छा ये हम यूज़ करते हैं, इस तरह टेबल को हमने अलग करना है, वो उसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन, ब्रेक टेबल अपार्ट, ठीक है, इसको करेंगे ये सारा टेबल आपका जो है। अच्छा इसके बाद अनग्रुप भी करना पड़ेगा, इसको राइट क्लिक करके आप अनग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट इसके अलग हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से किसी का टेबल की जब आप स्टाइलिंग कर रहे होंगे, किसी लाइन का, किसी भी रो की लाइन का, कॉलम की लाइन का, आप इसकी स्ट्रोक आउटलाइन जो है चेंज करना चाहें, इसकी कलर्स चेंज करते हैं, ये बिल्कुल सेपरेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह वही कहीं पे आपको एरो हेड की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह लाइन की थिकनेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट आपको अभी अलग अलग मिलेंगे, इसमें से कोई चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं ये वाली लाइन तो डिलीट कर सकते हैं, इधर से करना चाहें डिलीट करना चाह रहे तो ये कर सकते हैं, टेबल को डिफरेंट स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक और टेबल लेते हैं,
सजी स्क्रीन स्टक है। अभी एक और टेबल ही है, ठीक है, ये वाला टेबल। ये टेबल लिया हमने, तो इसका बैकग्राउंड कलर पहले तो करके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा करना है। आप इधर से कर सकते हैं या आप इधर से जाएं, इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं, जो साइड के ऊपर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से भी आप चाहें चेंज कर सकते हैं, वही कलर आपको ऊपर भी शो हो रहा है, ठीक है। अभी तो आपने ये चेंज किया, तो इसको नॉन फिल कर रहा हूँ, ये कलर ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप चाह रहे हैं कि जहाँ पे आपकी हेडिंग आनी है, पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं, कोई तो लिख लेते हैं सीरियल वन, ठीक है। इधर ये कर लें, आगे नेम रख लें कोई, इसके रख लें दूसरा नेम, ठीक है। तो अभी आप चाह रहे हैं कि जो आपने ऊपर उसका भी साइज कम कर लेते हैं, तो अभी आप चाह रहे हैं कि जो सिर्फ ऊपर वाली रो है वो ऊपर वाले सेल में सिर्फ उनका ही कलर चेंज हो, उनकी बैकग्राउंड चेंज हो, बाकियों का ना हो, वो आपने कैसे करना है, अपना टेबल सेलेक्ट कर लें, इधर ही जाएं आप शेप टूल के अंदर, ठीक है, शेप टूल को आप ले के आएँ किसी भी रो के ऊपर जिसका आपने कलर चेंज करना है, या आपने ऊपर से नीचे आना है, या इस साइड पर जाना है, पूरी रो के कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये आपको जब इसके ऊपर पहुँचेंगे तो एक एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगी पूरी रो आपकी, ये अभी आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। तो इसका कोई कलर, बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अभी करके देखें आप, तो इस तरह ये पूरा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह किसी और स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप कलरिंग करना चाह रहे हैं, ये ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर आना चाह रहे हैं, इधर जाएंगे तो ये इधर वाले कलर जो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरे कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये शेप टूल में जाके, ये सॉरी शेप टूल, और इसको किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप लेके आए टेबल पे, पहले टेबल सेलेक्ट करें, शेप टूल सेलेक्ट करें, ठीक है, ये ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट जो है वो कलरिंग का, फिर ये रो को नीचे वाली को आप पूरा अलग से कलर देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दोबारा इसको सेलेक्ट करें, शेप को सेलेक्ट करें, इसको किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कोई और कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आए और कलर कर दें, इस तरह इसको करना चाह रहे हैं, शेप टूल में आए, शेप को सेलेक्ट किया, किसी भी सेल जिसको आप जिस बॉक्स को आप कलर करना चाह रहे हैं उसमें आए, उसका कलर चेंज कर दें। ये अलग अलग है, पूरी रो और कॉलम को कर सकते हैं, वो भी हमने देखा, तो ये इसको इस तरह कलर फिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टाइल के आप टेबल जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेबल टूल। ये अभी हमने देखा, इसको इसी तरह ब्रेक पार्ट करना है, वो हमने देखा कि बिल सारे इसके पार्ट्स जो हैं अनग्रुप किए, बिल्कुल अलग किया, कोई इसमें से चीज़ डिलीट करनी पड़ गई है तो वो हमने डिलीट की, ठीक है। अच्छा, ये इसका था कि ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल वाइल टाइपिंग, ये अभी इसका यूज़ देखते हैं। सीरियल नंबर एंड नेम्स, जिसने किया
ये अभी नहीं कर रहा काम। तो इस तरह आप टेबल या क्रिएट कर सकते हैं, इसकी हेडिंग, इसका कलरिंग, जो भी आप चेंज करना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कोई हेडिंग फॉन्ट चेंज करना चाहें, उसको स्टाइल देना चाहें, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हम फॉन्ट्स में देखते रहे हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं, जिस तरह आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। टेबल टेबल को स्टाइलिंग देना, वो वन बाई वन हमने अभी देखा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन आया तो पूछ सकते हैं। अपनी स्पेस देनी है, ये भी सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट किया तो ये मार्जिन ऑप्शन आ रहा है, आप इसको करें, इसकी वैल्यू देखेंगे अगर चेंज करके। इसी तरह आप इसकी मजीद जो आपके पास एक बॉक्स है उसकी कोई चेंजिंग चाह रहे हैं, स्प्लिट्स हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, वर्टिकल के ऊपर जाएं तो ये पूछ रहा है कि कॉलम्स आपने कितने रखने हैं। इस पूरे बॉक्स को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अभी इसको रेटिंग में डिवाइड, तो ये आपके ये देखते हैं आप, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम आउट, ये आपने स्पेसिफिक एक सेल सेलेक्ट किया, बॉक्स सेलेक्ट किया, उसकी भी आप जो है वो डिवीजन कर सकते हैं अगर आपको किसी जगह इसकी ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम रेड दिए थे ऊपर, तो इसने 8 सेल्स में इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसके नीचे वाले की करते हैं, इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अगर करना चाहें तो ये देखें, इसकी हॉरिजॉन्टल या डिवीजन भी कर सकते हैं। ये टेबल्स की एडवांस प्रॉपर्टी है, अगर इनकी ज़रूरत पड़ जाए कहीं तो उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी सर हाँ जी ऊपर ही आएंगे आप, पहले अपने बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आएंगे। इसी तरह ये दूसरी प्रॉपर्टीज है जो आपने जो बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ, पहला ग्राफ ये उसी की यहाँ टेक्स्ट की इसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको। बाकी ये कंट्रोल टूल दोबारा से ओपन हो गया, ये आपने पहले ही कवर कर लिया हुआ। ठीक, तो मार्जिन ये सेपरेट करेंगे तो इसको फिर यूज करने देगा मार्जिन किसी भी सेल का, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। मार्जिन अगर हम अलग करेंगे इसको, ये अभी आपको बताता हूँ, मार्जिन आपकी साइडों से इसमें स्पेस कितनी छोड़नी है। ठीक है, अभी ये क्योंकि ग्रुप है बाउंड है तो इसलिए शायद वर्किंग नहीं कर रहा, तो स्प्लिट करें टूल के अंदर, और अभी इसका मार्जिन देखते हैं। Thank you.
आप अगर इधर देखें, ये जो नीचे वाला आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, ठीक है, इसका मार्जिन दिया हमने टॉप से, एक मिनट बाकी वैल्यूज भी इसकी सेट करते हैं, आज आपको उसका डिफरेंस पता चल जाए, वो सिलेक्ट करें आप, ठीक है, इसको चार और करंट वर्ड, अभी इसका मार्जिन हम सेट करते हैं बाग और काफी डर, ठीक है, आपको ये जो स्पेस नजर आ रही है इसमें, ये वाली ये देखें, हमने अभी इसको वैल्यू दी थी 235, ठीक है, तो इसने मार्जिन ले लिया कि साइडों से आपकी जो है जगह चारों साइडों से जो हमने डिवाइड किया है अपने बॉक्स को डिवाइड किया है, नंबर ऑफ चार रोज में इसको डिवाइड किया, तो उन चारों के दरमियान गैप देखें कि ये आपका बॉर्डर है, ये नीचे वाला, ठीक है, तो जितना हमने मार्जिन दिया है वो जगह इसने छोड़ी है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, तो ये उस चीज़ के लिए है, मार्जिन आप देना चाह रहे हैं, ये स्पेसिंग इसने की है जो आपकी ये वाली सारी, ठीक है, ये मार्जिन से हुई है, इसको दोबारा से करते हैं, ज़्यादा करते हैं, नहीं अभी मार्जिन जो है ना इधर वर्किंग नहीं कर रहा, शायद हमें इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, तो फिर ये वर्क करेगा, अभी सेल को जो है अनग्रुप करके देखते हैं, टेबल को ब्रेक अपार्ट करते हैं, ब्रेक पार्ट हो मार्जिन के लिए यह है कि आपका सेल जो है वो टॉप से कितनी स्पेस छोड़े, बॉटम से कितनी छोड़े, लेफ्ट से राइट से, अभी ये इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन इसका यूज़ यही है कि जगह छोड़ने के लिए होता है साइडों से, इधर वेबसाइट के अंदर डिज़ाइनिंग में जाएं तो उधर हमें इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि टॉप से हेडिंग जो है वो कितना फासला रखे, बॉटम से कितना, लेफ्ट से राइट से, ये उसी चीज़ के लिए है। तो ये टेबल का क्लियर है सबको, टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसको स्टाइलिंग कैसे करनी है, यस सर, कि टेबल आपने ये वाले रोज को मर्ज करना है, कॉलम्स को करना है, किसी एक स्पेसिफिक बॉक्स का जो है आपने बॉर्डर जो है वो ज़्यादा करना है, उसको कितने ज़्यादा करनी है, वो कैसे करनी है, ये चीज़ें हम देख रहे थे, दोबारा कर दें, दोबारा कर लेते हैं सर, ये हमने इधर एक टेबल ड्रा किया,
ये एक टेबल लिया हमने, ठीक है सिंपल स्क्रीन शेयर है। जी सर, जी सर। एक टेबल लिया तो उसका ऊपर अगर आप ऑप्शन देखें प्रॉपर्टी मेन्यू में, तो इधर आ रहा है कि बॉर्डर के आगे, बॉर्डर के आगे आ रहा है कि कौन सा आपने बॉर्डर सेलेक्ट करना है, ऑल आउटसाइड इन साइड लेफ्ट राइट। तो अभी हम लेफ्ट राइट पे क्लिक करें तो इसके बाद बॉर्डर दें इसको, ये देखेंगे कि दोनों लेफ्ट राइट के सिर्फ होंगे, ठीक है। इसी तरह भी चेंज कर लें, बॉटम करेंगे तो बॉटम वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है ये बॉटम वाला सही है। इसी तरह किसी स्पेसिफिक आप बॉक्स का करना चाह रहे हैं इसी तरह उसको देना चाह रहे हैं बॉर्डर उसका ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे, आप टेबल सेलेक्ट करें तो उसके बाद बॉक्स सेलेक्ट कर लें कोई सा भी स्पेसिफिक। सपोज मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये ब्लू भी हो गया, इसका बॉर्डर बॉर्डर जो है अभी पीछे एक ही सिलेक्ट है बॉटम वाला, तो बॉटम वाला जो है स्टाइलिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसको सारे को करना है चेंज, तो फिर दोबारा टेबल में जाएंगे एक बार और इसका सिलेक्शन है वो चेंज करके आएंगे, लेफ्ट टू राइट करनी है, ऑल करना है, आउटसाइड करना है, ऑल कर दें और रहने दें आउटसाइड कर दें, ठीक है। अभी दोबारा जाएं कोई सा भी बॉक्स सेलेक्ट करें उसका बॉर्डर अप्लाई करें, तो ये सारे का देखें आउटलाइन जो है सिर्फ वो चेंज हुई है जो आपने सेल्फ सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इसी तरह हमने देखिए मैंने चैक के अंदर एक इमेज सेंड किया, मैं इसको ना टेबल के थ्रू बनाना चाह रही थी कि इसकी अगर हम वो बॉर्डर ज़्यादा कर देते हैं तो ये दूर दूर हो जाएगा और इसके नीचे ये शेडो किस तरह अटैच करेंगे वो नहीं मुझे पता चल रहा था। इसकी चारों तरफ देखिए ऐसे एक्स्ट्रा लाइन्स ही है और नीचे शेडोज आए हुए हैं हर किसी के नीचे, ठीक है। और देखते हैं एक बार क्विकली रिपीट करने फिर देखते हैं। अच्छा इसके बाद है कि हमने कोई टेक्स्ट राइट करना है सेल में वो देख रहे थे, ये सारा हो गया इसका। अच्छा इसी तरह किसी एक का आपने कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं, आप इधर से उसको बॉर्डर देना है वो आपने देख लिया, ठीक है। इस तरह इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरह आपने मर्ज करना है दो कॉलम्स को, हमने क्या किया टेबल और इसमें कोई टेक्स्ट राइट करना भी, टेक्स्ट राइट किया हमने इधर और ये हेडिंग वन, ठीक है ये हेडिंग वन कर दी। आगे वाले में हेडिंग टू कर देते हैं, इसमें हम करते हैं हेडिंग टू, हमने की थी असाइनमेंट टू कर देते हैं, इसका साइज ज़्यादा करते हैं 100। अच्छा ये अभी अच्छा एक और चीज़ है वो बाद में करता हूँ। ये हमें ज़रूरत पड़ गई है कि अभी ये हमने मतलब दोनों सेल्स यूज़ करने हैं, इसको मर्ज करना है, जिस तरह एक्सेल शीट के अंदर हम मर्ज कर रहे होते हैं स्टाइलिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट, बिल्कुल उसी तरह टेबल पे गए दोनों को सिलेक्ट किया और उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। ये अभी दोनों जो है ना मर्ज हो गए हैं, सही है। इसी तरह किसी इन दोनों को करना है वो आप दोनों को सिलेक्ट करें लेफ्ट राइट को और इसको मर्ज कर दें, ठीक है। अभी ये मर्ज हो गया दोनों इधर वाले भी और ये भी, ठीक है। इसी तरह आप इसका भी कलर चेंज करना चाहें कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड सर ये बॉर्डर है बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। जी सर आपने बताया था ना कि हम एक ही सेल में एक लॉन्ग टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सर वो काइंडली रिपीट कीजिएगा, वो आपने कैसे बताया था? हाँ जी लॉन्ग टेक्स्ट अभी देखें ये राइट किया है तो इधर जितना मर्जी आप लिख लें तो ये इसी सेल के अंदर ही रहेगा, टॉपिक सेल सेलेक्ट करेंगे देन वो उसी में ही रहेगा।
हाँ जी, सिलेक्ट करेंगे पहले ऑप्शन, उधर से क्लिक करके आए हुए हैं कौन से वाला, ये आप अपने टेबल पे जाएं तो ये आ रहा है आपके पास ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल वाइल टाइपिंग, ठीक है। ये इधर से चेक करेंगे तो उसके बाद ये अंदर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद और क्या था, ये चीज़ें देखी। अच्छा, मार्जिन का रह गया। मार्जिन का क्या था कंसेप्ट, कि ये आपका लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर टू इधर हेडिंग वन, तो इसको हमने करना है कि अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो हमने सेलेक्ट किया है असाइनमेंट नंबर टू को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कैसे करना है वो हम देखते हैं। इधर हमने किया सेलेक्ट अपना टेबल और इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करेंगे साथ ही ऊपर मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन का क्या कंसेप्ट है, इसकी वैल्यू चेंज करके देखें आप, फिर इसको अभी ये लॉक इसका ओपन है तो इसलिए सेपरेट हो रहे हैं सारे, ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं। इनका लॉक कर देते हैं तो सारे एक साथ नहीं हो जाएंगे, तो टॉप से भी उतनी स्पेस छोड़ेगा, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से। ये आप अगर इधर देखें टॉप मार्जिन, लेफ्ट बॉटम और राइट, ठीक है। मैंने अभी लॉक किया हुआ है इसको तो सारे एक साथ में ही मूव हो जाएंगे। इसका 50 का लेते हैं मार्जिन या 60, तो ये देखें ये मूव हो गया इधर, ठीक है। इसी तरह इस हेडिंग का, इस वाले का, दोनों सेलेक्ट हैं, एक को हमने करना है, इसको सिलेक्ट करें और इसका मार्जिन जो है वो आप कर दें 100 कर दें, ठीक है। 100 कर दें तो दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा, इसलिए इसको काम ही रखते हैं हम, ये 20 पे चलेगा क्योंकि इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये नीचे की तरफ आ गया, खुद को एडजस्ट कर लिया हेडिंग वन। इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इनकी एडजस्टमेंट थी और क्या था, बस यही था। इसके अलावा एक और ऑप्शन थी, वो खैर उसकी वर्किंग नहीं हो सकी, ये रैप टैक्स का था, इसमें ना टैक्स को आपने रैप कैसे करना वो नहीं हुआ, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ थी, हमने देखा सेपरेट सेल बॉर्डर, ये इसकी वैल्यूज हैं, तो एक और बॉर्डर लग जाएगा जो आपका है, जितनी भी रोज कॉलम जिसके अंदर बॉक्सेस सबका एक अलग से बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। जितनी आप इसको वैल्यू देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जितनी भी देंगे, ये देखें चेंज भी हो रहा है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइलिंग इसकी, ये था इसकी टेबल की स्टाइलिंग, ये हम पढ़ देते हैं। सर एक बार ये टेक्स्ट वाला दोबारा करना, ये आपने असाइनमेंट को कैसे मूव किया, तो ये मार्जिन दिया है इसको सर, मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये इसको किया है, ये सिलेक्ट कर लें आप, टेबल पे जाएं, इस अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लें तो ऊपर मार्जिन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इधर से वैल्यू दी हुई है हमने 60, इसको 70 कर लें और ये साथ ही आपका टेक्स्ट भी मूव कर जाएगा। 70 है, इसको 80 कर लें तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ज़्यादा होगी इसलिए बाहर चला गया, ये यहाँ तक हो सकता है 72, ठीक है। इस तरह मूव होगा, मार्जिन दिए, ठीक है। ये क्लियर है सबको, ये टेबल की स्टाइलिंग है बेसिकली सारी, और भी हैं। देखिए जिस तरह अभी बने हैं ना बटन, अभी आप एक वो चैट में देखें, ये जो मैंने सेकंड वाला इमेज भेजा है ना, जैसे फेसबुक ट्विटर और लिंक्डइन के ये बटन खड़े हैं, शेड छोटा छोटा ऐड है, तो वो ये ना ढेर सारे बटन बना सकते हैं, मुझसे ये शेड ही ऐड हो रहा है। ये शेड आप सेपरेट इधर रखें, बटन बनाए उसके शेड दे लें, तो एक एक बटन बना के अलग अलग तो हो जाता है, टेबल में ऑप्शन आता, टेबल का यूज हो रहा है उसका, जो आपने बटन गिराए हुए हैं, बटन बनाए हुए हैं वो अलग अलग ही लगे हुए हैं, उनका सेपरेट यूज है। इधर आप एक बटन ड्रा कर लें इस तरह, इसको कलर्स दे लें, ठीक है, इसको शेडो ऐड कर लें तो वही सेम ही बन जाएंगे। जो आप शेडो करें इसको, इस तरह शेडो लगा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे,
ठीक है, बाकी ये आपके बटन बन जाएंगे, वो बटन अलग अलग ही बने हुए हैं आपके।